तो हमारे यहाँ हो रही है पास्ता पार्टी, आज का ब्रेकफास्ट, और आज है इनका दूसरा दिन यहाँ पर। ये पास्ता बहुत ही ज़्यादा तीखा बना हुआ है। अब बेटर लग रहा है, बेटर लगना चाहिए। तो हम आए हैं अपने घर पे होली मिलने के लिए, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी घूमने के लिए, तो हमने सोचा लाओ घर पे घुमा लाएं लोगों को। और अभी बज रहा है 12:30। नानी आई नहीं थी, फिर नानी को भी लेकर आए हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने घर पे। अब हैंड वॉश करने की आदत पड़ गई ना कोरोना के मारे, कहीं से आओ तो। ये है ब्राउन वाले मेरी मम्मी के मम्मी, ये बोलते पनीर वाली होती है, पनीर बता रही हूँ ब्राउन वाली है, तो मैं ये बैठे हैं एक एक थोड़ा सा। तो हम लोग खा रहे हैं अब फरकाबाद की फेमस पापड़ी, क्या हो जो भी यहाँ फरकाबाद में मिलती है इस तरीके की। ये पापड़ी चाट होती है और पापड़ से बनाई जाती है, आलू वगैरह दही वगैरह डाल के। क्योंकि अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, वो बज रहा है 2, तो समोसे अभी मिले नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पापड़ी ही इन्जॉय करी जाए। तो वही खा रहे हैं सब लोग, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाय वगैरह हो गया था, तो अब थोड़ी देर और रुकेंगे फिर उसके बाद जाएंगे अपने घर। तो कैसा लगा आपको मेरा ये घर का ब्लॉग, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। तो अब हो गई है इवनिंग और हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं पनीर टिक्का एंड क्या है ये, चिकन लॉलीपॉप। हाँ, चिकन लॉलीपॉप। तो शाम का स्नैक्स हो रहा है, कट 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 कट। और प्रीति सो रही है, रीति को आ गया फीवर, तो अभी वो रेस्ट कर रही है। शाम को बज रहा है 6:30 और आज है 2 इवनिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए फॉर मोर वीडियोस, और इसी तरह की अपडेट देखने के लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है मुझे। सूखा ज़्यादा है ना, ये ग्रेवी काम है इसके, वो पता निकल भी गई है इसमें पैकेट में बाहर रहता। दिस इज चिकन लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप ज़्यादा यम्मी लग रहा है, पनीर टिक्का कम यम्मी है। दिस इज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। खुशी, तो अभी अभी आया है किसी का रिजल्ट, और एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। और ये रिजल्ट जो आया है वो करीब 2 साल से इसका प्रोसीजर चल रहा था, उसके बाद ही आया है। और किसका रिजल्ट है वो मैं बाद में बताऊँगी, कि लग गई है किसी की जॉब और उसका हो रहा है सेलिब्रेशन। और अभी मिठाई मंगाई है, अभी लेकर आ रहे होंगे 6, तो अभी होने जा रही है 6 पार्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि आजकल के जो हाव हाव है सबके, और जो आजकल भीड़ हो रही है यंग लोगों की जॉब के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा जो कंपटीशन हो गया वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मैं भी 2-4 बार TET दे चुकी हूँ,
तो मुझे भी पता है कि अब किस लेवल का वो लोग इस तरीके का पेपर बनाते हैं कि चाहते हैं कि किसी का पास ही ना हो जिससे उन्हें जॉब देनी पड़े। तो और अगर पास कर भी लेते हैं तो वो जो है वो कोर्ट में बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है, मामला कोर्ट में चलता रहता है और किसी को जॉइनिंग नहीं मिल पाती है फिर इसी तरीके से। तो काफ़ी ज़्यादा आजकल अगर किसी की जॉब लगती है ये तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उसके लिए, खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आजकल जॉब पॉसिबल है, वरना तो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। और मैं दिखाऊंगी कि किसकी जॉब लगी है, अभी बताऊंगी डिटेल में, तब तक आप वेट करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आज डे टू है, जैसा कि मैंने सुबह से बताया था, सुबह हम लोगों ने पास्ता पार्टी करी थी, उसके बाद मैं घर पे गई थी लोगों को घुमाने, तो इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि रेस्ट नहीं कर पाया। तो फिर अब शाम को फिर हम लोगों ने चिकन और ये पनीर टिक्का वगैरह खाया था, उसके बाद अब फिर करने जा रहे हैं छेना पार्टी और करेंगे एक सेलिब्रेशन छोटा सा। तो ये है मेरी बड़ी ननद सिमरन और जो कि मेरी बीनू मौसी की बेटी है, जो मैंने अभी कल ब्लॉग में भी आपको बताया था। तो इनकी लगी है जॉब और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अभी अभी हमारे घर पे आए थे कल सब लोग और यहीं पे इनका रिजल्ट जो है वो निकला हुआ है, अभी अभी देखा आधे घंटे पहले ही। तो इनका बिल्कुल फाइनल हो गया है और इसी खुशी में हमने मंगाया छेने, तो कर रहे हैं छेना पार्टी। और वैसे तो इनका रिजल्ट 2 साल पहले ही आ गया था, लेकिन आप जानते हैं कि SSC में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं फिर कोरोना की वजह से। तो इनको कंग्रेचुलेशन आप लोग बोल सकते हैं कमेंट करके, और मैं इनका मुंह मीठा करा देती हूँ फिर उसके बाद बाकी सब लोग कराऊंगी। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत करी है, रात भर पढ़ी है, दिन भर पढ़ी है। तो मैंने कहा कि भाई जब कोई सक्सेस होता है तो एक अलग ही खुशी होती है, तो आप लोग भी छेने खाइए और मेरी खुशी को और ज़्यादा इन्जॉय करिए वीडियो शेयर करके। और इसी तरीके की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बस यही चाहूँगी मैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं पार्टी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।